देश भर में तकरीबन 32 लाख एटीएम के पिन चोरी होने की आशंका है। जिन बैंकों के कस्टमर्स के डेटा चोरी हुए हैं उसमें SBI, HDFC, ICICI, यस बैंक और एक्सिस बैंक शामिल है। खबर के मुताबिक कार्ड नेटवर्क कंपनियों नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मास्टर कार्ड और वीजा ने भारत के तमाम बैंकों को इसकी सूचना दी है कि कुछ कार्ड्स की जानकारी चोरी हुई है। RBI इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। RBI ने वीजा और मास्टर कार्ड को निर्देश दिए हैं कि वो कस्टमर्स के हुए घाटे की भरपाई करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को अपने लगभग 6 लाख यूजर्स के ATM ब्लॉक कर दिए, क्योंकि बैंक को एक थर्ड पार्टी ATM से आए वायरस से अपनी सुरक्षा में सेंध लगने का खतरा है। कस्टमर्स की सुरक्षा के लिहाज से बैंक मैसेज के जरिए लगातार चेतावनी दे रहा है। अब जिन लोगों के ATM ब्लॉक हुए हैं उन्हें दोबारा कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, लेकिन इसके लिए पैसे नहीं देने होंगे। फिलहाल ये डाटा कहां से चोरी हुए हैं इसकी जांच चल रही है, लेकिन खबरों के मुताबिक उन लोगों के पिन चोरी हुए हैं जो हिताची पेमेंट सर्विस से जुड़े ATM का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिताची पेमेंट सर्विस यस बैंक के लिए ATM नेटवर्क चलाती है। ये मामला इस साल जुलाई महीने में ही सामने आया था, लेकिन बैंक का कहना है कि उसके ATM नेटवर्क में किसी तरह की परेशानी नहीं है। वो अपने कस्टमर्स की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल आप अपने डेबिट कार्ड की सुरक्षा के लिए कुछ कदम खुद भी उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हर महीने या फिर 3 से 6 महीने पर अपना कार्ड का पिन बदलना चाहिए। किसी भी सूरत में अपना पिन नंबर या फिर नेट बैंकिंग का पासवर्ड किसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहिए। होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप या फिर किसी भी दुकान पर अगर अपने कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने ही सामने उसे स्वाइप करें, ताकि उसकी क्लोनिंग यानी नकली कार्ड बनाने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।